Hello dear learners, welcome back to Abhit Siksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abhit Siksha. So let us begin. आज के जो important articles है वो है फर्स्ट डेट ओन बाय साउथ एशियन नेशंस टू चाइना रिकॉर्ड लेवल. आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है चाइना का पर्सपेक्टिव अंडरस्टैंड करने के लिए एंड हाउ चाइना इज ट्राइंग टू डोमिनेट इन एंड अराउंड द वर्ल्ड. वो काफ़ी अच्छा यहाँ पर एक आप लोगों को देखने को मिलेगा. आई विल शो यू दैट डेटा कि कौन सी कंट्री के पास कितना लोन है एंड कौन सी कंट्री कितना ओ करती है चाइना को. दैट इज समथिंग वी नीड टू नो. सेकेंड इज इंडिया इज नाउ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोलर पावर. सो नो ब्रेनर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ सोलर पावर एंड इट्स उसके बाद उसके आसपास का जो न्यूज़ है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड इज वेज मील कॉस्ट क्लाइम्ड 8% इन अप्रैल. तो वेज जो खाना है, वेजिटेरियन जो फूड है, उसका कॉस्ट कितना ज़्यादा राइज हो गया है वो हम लोगों को समझना होगा. बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला आर्टिकल भी. सो थ्री ऑफ द आर्टिकल्स टुडे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी हैव टू डू इट वन बाय वन. ठीक है, पहला आर्टिकल जो है डेट ओन बाय साउथ एशियन नेशन टू चाइना हिट्स रिकॉर्ड लेवल. इफ आई जूम इन दिस पार्ट, इन दिस पार्ट ऑफ आर्टिकल, यहाँ पर अगर आप देखेंगे कंट्रीज जैसे कि नाइजीरिया 63, ये जो ब्लू कलर में है ना, ब्लू कलर that the, it is the debt owned by China. So this country is Nigeria. ठीक है, नाइजीरिया देखिए 69% जो है, not 69 but 89%, ठीक है 89% जो है debt own करती है to Chinese companies and China. Ecuador देखिए 77%, Laos देखिए, Laos का I think it's around 83% के अराउंड है. पाकिस्तान 72% है. साउथ अफ्रीका 83% है. ठीक है, मंगोलिया में 64% है. कैमरून में इट्स अराउंड 70%. ठीक है, जाम्बिया में इट्स अराउंड 75%. मालदीव्स में इट्स अराउंड 68%. ठीक है, अंगोला में इट्स अराउंड 72%. इथियोपिया, केनिया, श्रीलंका, इतनी सारी कंट्रीज़ है ना कि इस सब कंट्रीज़ में चाइनीज़ लोन्स जो है आप देख पाएंगे इट्स वेरी 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 हाई. ठीक है, तो आप लोग देखिए कि यहाँ पर यू नो व्हाट्स द डेटा हियर, व्हाट डेटा शोज इज कि यू नो जब चाइना जो है बिकॉज दे हैव दैट कैपिटल सरप्लस, उनके पास वो कैपिटल सरप्लस है, दे गो टू कंट्री. देखिए ऐसा कोई कंट्री नहीं है, यू नो दीज आर मोस्ट मोर और लेस आइलैंड नेशंस, अफ्रीका के नेशंस है, कुछ एशिया के नेशंस है. ठीक है, इथियोपिया, किन्या, कंबोडिया एशिया के भी कंट्रीज है, अंगोला, मालदीव्स, मालदीव्स बींग एन बींग एन आइलैंड नेशन, कैमरून, ठीक है, इट्स ऑल्सो ऑन द आइलैंड साइड. ठीक है, कैमरून जो है आइलैंड के पास है, मंगोलिया, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, लाओस, इक्वेडोर, नाइजीरिया. ठीक है, ये सब क्या है, श्रीलंका, ये सब क्या है. चाइना का फोकस मेजरली पहले इन दी 1990s एंड 2000 अर्ली 2000 में चाइना का जो फोकस था ना वो था कि वो जो है लोन देंगे टू अफ्रीकन नेशंस. ठीक है, इसीलिए आप देख पाएंगे कि अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज, जाम्बिया हो गया, कैमरून हो गया एंड युगांडा, रवांडा, सेनेगल, जो भी कंट्रीज हैं वहाँ पर देखेंगे तो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस बहुत बहुत ज़्यादा है वहाँ पर. ठीक है, चाइनीज़ कंपनीज हैव बीन कॉन्स्टेंटली पोरिंग इन मनी, पुटिंग इन मनी, पंपिंग इन मनी. ठीक है, कॉन्स्टेंटली जो है वो लोग पैसे जो है यहाँ पर पुट इन करते थे. और उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर दैट Now the shift of China from the African nation, it has shifted towards our neighborhood. यहाँ पर आप देखिए बांग्लादेश है, म्यांमार है, ठीक है, पाकिस्तान 72%, ठीक है, और यहाँ पर श्रीलंका, ये सब क्या है, मालदीव्स, ये सब इन साउथ एशियन रीजन में उनका जो है इन्फ्लुएंस जो आपको देखने को मिलेगा. इसीलिए आर्टिकल में क्या लिखा है कि साउथ एशियन नेशन में उनका जो इन्वॉल्वमेंट है, उनका जो लोन देने का जो पावर है वो उन लोगों ने यहाँ पर बढ़ा दिया. सो दैट्स समथिंग विच इज़ वेरी कंसर्निंग बिकॉज आप देखेंगे अगर एक कंट्री 72% का अपना जितना लोन है वो किसी एक स्पेसिफिक कंट्री पर वो करता है, व्हाट डज दैट मीन कि वो जो है उस कंट्री पर एकदम 100% जो है डिपेंडेंट होने के रास्ते पे चला है. सो इफ यू सी द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड बाय चाइना इन पाकिस्तान इट्स वेरी 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 हाई. ठीक है, बहुत ज़्यादा है जो है, यू नो दे आर गिविंग देम यू नो लोन्स लेफ्ट राइट एंड सेंटर. वहाँ पर यू नो दे आर मेकिंग रोड्स, दे आर मेकिंग दिस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर फ्रॉम काशगढ़ टू ग्वादर. सो दे हैव मेड रोड्स, दे हैव मेड पोर्ट्स, दे हैव डन एवरीथिंग जो वो कर सकते थे. दे हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी एंड नाउ वट विल हैपन इफ चाइना इज, आई नो पाकिस्तान जो है अभी अगर आप देखेंगे दे ओ अ लॉट ऑफ मनी टू पाकिस्तान चाइना. ठीक है, सो वट चाइना विल डू इफ पाकिस्तान इज नॉट एबल टू रीपे दोज मनी बैक, देन वॉट चाइना विल डू, चाइना विल टेक अवे लैंड्स फ्रॉम दैट एरिया एंड द लैंड विच दे विल टेक इज वेरी वेरी क्लोज टू द कंट्री, हमारे देश के लिए. सो हमें सोचना होगा कि हम हाउ आर वी गोइंग टू काउंटर चाइना. ठीक है, क्योंकि वो क्या करेंगे, जब एक बार यू नो
थिंक अबाउट दोज जमींदार्स, व्हाट दे दोज जमींदार्स और वो मर्चेंट्स क्या करते थे पुराने जमाने में, वो क्या करते थे, पहले तो वो लोन पे देते थे पैसे को, और मतलब इतना हाई इंटरेस्ट पे वो लोग पैसे देते थे, इतना ज़्यादा वो इंटरेस्ट उनका हाई रहता था कि जब वो बेचारा फार्मर या जो वो बेगर होता था, वो जब उस लोन को चुका नहीं पाता था तो उसकी ज़मीन को हड़प लेते थे, राइट। सो वो यही जो है डिप्लोमेसी, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी जो है, सेम जो है डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, ठीक है, ये डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, सेम डिप्लोमेसी जो है आपको देखने को मिलेगा चाइना भी अपना रही है। एंड जिस कंट्री में दे विल फाइंड रिसोर्सेज, दे विल टेक अवे दोज रिसोर्सेज, कहीं पे खदान है, कहीं पे कोयला मिल रहा है, कहीं पे नेचुरल गैस मिल रहा है, कहीं पे यू नो क्रूड ऑयल मिल रहा है, तो दे विल टेक अवे दोज पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सो ये क्या है, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है, इसको हम लोग चेक बुक डिप्लोमेसी भी बोलते हैं, चेक बुक डिप्लोमेसी, ठीक है, चेक बुक डिप्लोमेसी भी हम बोलते हैं कि चेक्स मतलब वो क्या है, पैसे यू नो देते रहते एंड उसके बाद जो है इफ़ दे आर नॉट एबल टू टेक दोज मनी बैक दे विल टेक दी लैंड्स फ्रॉम दैट कंट्री, ठीक है। सो ये क्या है, चेक बुक डिप्लोमेसी। एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमें यहाँ पर देखना है, यहाँ पर इफ वी कैन सी इट फ्रॉम हियर, यहाँ क्या है, एक देखिए भूटान में जो है 96% जो इन्वेस्टमेंट है, अगर किसी ने किया है भूटान ने, अगर किसी से लोन भी लिया है, फिर लाइन ऑफ क्रेडिट भी मिला है, 96% जो है वो इंडिया से उसको मिला है। इंडिया में अगर आप देखें 49% जापान हमें देता है, 49% और 19% के अराउंड जो है सिंगापुर हमें देता है एज लोन, ठीक है। और यहाँ पर नेपाल भी है, नेपाल का समवेयर अराउंड 30% जो है वो जापान देता है एंड ऑलमोस्ट 30% इंडिया भी उसको लोन देता है एंड 27% जो है अब चाइना भी उनको लोन देता है। सो आप देख पाएंगे कि यू नो रिलेशनशिप जिस तरीके से अच्छे या बुरे होते हैं, आपको उस टाइप का साइंस जो है आपको देखने को मिलेगा। जब हमने स्टार्ट किया नेपाल में इन्वेस्ट करना, वी कॉल्ड जापान आल्सो कि यू आल्सो इन्वेस्ट इन नेपाल, ठीक है। बट यहाँ देख रहे हैं कि चाइना भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सो 27% बहुत हाई रहता है। अभी क्या है, धीरे धीरे दे विल कम एट पार विद जापान एंड चाइना। तो यहाँ पर भी आपको एक यू नो गेम जो लेवल प्लेइंग फील्ड देखने को मिलेगा बिटवीन जापान एंड इंडिया ऑन वन हैंड एंड चाइना ऑन दी अदर। सो यहाँ पर उनका फोकस जो है अभी धीरे धीरे टू दी साउथ एशियन नेशन जो है वहाँ पर ज़्यादा आपको शिफ्ट होते हुए देखने को मिलेगा। चाइना का फोकस नाउ दे हैव शिफ्टेड देयर फोकस फ्रॉम साउथ अफ्रीका, अफ्रीकन नेशंस टू योर एशियन नेशन एंड स्पेशली साउथ एशियन जो कंट्रीज हैं वहाँ पर, ठीक है। यहाँ इंडिया के आसपास, इंडिया के नेबर्स के पास जो है बहुत ज़्यादा इनका फोकस रहा है, ठीक है। सो ये क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है डेटा था जिसको हमें यू नो यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट। एंड यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक और चीज़ जो है ना कि नाउ चाइना जो है 1999 से जो है इस टाइप से जो लेंडिंग जो है वो धड़ाधड़ लेंडिंग जो है वो कर रहा है एंड स्पेशली बाय द एंड ऑफ 2022 लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ में चाइना को लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ पता है कितना ओ करती है, $180 बिलियन जो है चाइना में, चाइना को मिलना होगा मतलब मिलेगा चाइना को एज लोन, जो डेट है वो देश जो है उसको चुकाएंगे, ठीक है। सो ये रिपोर्ट जो है यहाँ पर वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है आपको देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर क्या है कि वर्ल्ड बैंक में भी अगर आप देखें, सो यहाँ पर क्या है, इन कंपैरिजन टू लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज टोटल डेट ओड बाय इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट द ग्लोबल डेवलपमेंट कोऑपरेटिव ओन बाय 189 नेशन वॉज जस्ट लिटिल हायर देन 223 बिलियन। सो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि एक जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज थी वो चाइना को $180 बिलियन जो है वो लोन चुकाएगी, लेकिन जो असली बैंक है, जो बैंक से जिनको पैसे मिलने चाहिए, जहां से उन लोगों का फर्स्ट चॉइस जो है वो बैंक होना चाहिए था, वहां ना जाकर वो चाइना के पास जाते हैं। बैंक को वो कितना वो करते हैं, जस्ट 223 बिलियन के डॉलर के आसपास वो करते हैं। देखिए ये इतना ये चाइना को वो करते हैं और इतना ये पूरा मिलाकर ये एक बैंक को वो करते हैं, दैट इज योर वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक। बट ये होना भी था, यू नो ये जो वर्ल्ड बैंक है, IMF प्रीडोमिनेंटली वो जो है कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट और जो वेस्ट की जो इंटरेस्ट है उन पे यू नो ज़्यादा फोकस है। अब ये नियम भी ज़्यादा लगाते हैं, आपको अपना इकोनॉमी खोलना होगा, ये करना होगा, हमारे हिसाब से आपको करना होगा, यू हैव टू गिव अस द वे टू योर यू नो मार्केट, आपको अपना मार्केट ओपन करना होगा, जो है वो इस तरीके से वो बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स लगाते हैं। चाइना ऑन द अदर हैंड यहाँ पे कोई ज़्यादा रूल्स नहीं है,
आप जब मांगेंगे पैसे आपको तब मिल जाएंगे, ठीक है. सो यहाँ पर रूल्स ज़्यादा नहीं है, इसीलिए दीज बैंक दिस कंट्रीज द लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज दे गो टू चाइना, दे रिजॉर्ट टू चाइना, ठीक है. सो ये जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि इतने बड़े बड़े कंट्रीज जो है, इतने मतलब बहुत सारे कंट्रीज मिल चाइना को बहुत ज़्यादा जो है दे ओ सो मच टू चाइना, ठीक है. और लेकिन इसके बाद यहाँ क्या है कि यहाँ पर नेबरिंग कंट्रीज में बहुत सारे लोन्स जो है नेबरिंग कंट्रीज में दिया है, और उसका जो फोकस है अफ्रीकन और साउथ अमेरिकन कंट्रीज से हटके अब साउथ एशियन कंट्रीज की तरफ आया है, जैसे पाकिस्तान को, श्रीलंका को, बांग्लादेश को. यहाँ पर सब लिखा हुआ है कि पाकिस्तान को जो 2022 में $26.5 बिलियन पाकिस्तान ओ करता है टू चाइना, श्रीलंका जो है $8.8 बिलियन ओ करता है टू चाइना, बांग्लादेश जो है $6 बिलियन ओ करता है टू चाइना, मालदीव जो है $1.2 बिलियन ओ करता है चाइना को, नेपाल जो है $0.626 बिलियन ओ करता है, ठीक है. बट यहाँ पर क्या है कि मेजॉरिटी जो भी खर्चा क्या है वो लोगों ने यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो है सबसे ज़्यादा बनाए. यू सी हम्बन टोटा, यू सी कॉक्स बाजार, यू सी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ग्वादर पोर्ट, जितने बड़े बड़े पोर्ट्स हैं ना वो सब यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के लिए बहुत ज़्यादा पैसे चाइना ने दिया है. लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है, यहाँ पर डिफॉल्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है. they will not be able to पे बैक दैट मच ऑफ मनी जितना चाइना ने जो है दिया है, ठीक है. बट नाउ डिफॉल्टिंग इज़ वन थिंग जो बहुत ज़्यादा कॉमन है इन सारे देशों में, लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ में. और एक चीज़ है कि एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ जो देखने वाली है कि चाइना का इकोनॉमिक जो पोजीशन है ना वो उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है. जब 1999 के बाद चाइना हैड सीन दैट मीटियोरिक राइज, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है राइज आपको देखने को मिलेगा ऑफ चाइना, बट वो अभी इधर नहीं है. एंड आफ्टर कोविड ऑल्सो जो चाइना का मार्केट है वो थोड़ा शेक हो गया है, ठीक है. सो उसकी वजह से भी हमें थोड़ा सा जो है कम इन्वेस्टमेंट दिखने को मिला, बट स्टिल इट इज़ वेरी 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 हाई, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई है. आफ्टर कोविड ऑल्सो दे हैव सीन सम यू नो डिसबैलेंस इन द इकोनॉमी, बट उसके बाद बावजूद भी दे आर गिविंग आउट प्लेंटीफुल एंड प्लेंटीफुल ऑफ लोन्स, ठीक है. सो ये आपको याद रखना है, बहुत सारी कंट्रीज को बहुत ज़्यादा वो करता है. ओनली वन कंट्री जो हमारा सच्ची ट्रू फ्रेंड है एंड जिसका देश का हमारा फोकस भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, दैट इज ऑफ भूटान, ठीक है. भूटान हैज़ बीन कंसिस्टेंटली आर गुड फ्रेंड एंड दी ओनली क्लोजेस्ट फ्रेंड इन दी साउथ एशियन रीजन, ठीक है. सो यहाँ पर हमारा फोकस जो है ज़्यादा रहना चाहिए. आई होप आपको ये टॉपिक जो है ये क्लियर हो गया होगा. वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़. द नेक्स्ट न्यूज़ इज इंडिया इज़ नाउ थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोलर पावर. एक होता है एनर्जी प्रोड्यूसिंग, एक होता है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, ठीक है. इंस्टॉल्ड कैपेसिटी क्या होता है? इंस्टॉल्ड कैपेसिटी मतलब होता है कि आपने सोलर पावर पार्क्स वगैरह जो है ये कितने बनाए हैं, आप लोगों के पास कितना एनर्जी पैनल्स वगैरह आप लोगों ने कितना लाया. इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हम क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है. प्रोड्यूसिंग एंड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी आर टू डिफरेंट थिंग. इंस्टॉल्ड कैपेसिटी आपने लगाया लेकिन आप वहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रहे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी. बट हम क्या है, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ सोलर पावर, ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सोलर पावर का. तो एक रिपोर्ट आया है एम्बर एक एजेंसी है, उसने क्या बोला कि इंडिया ने ओवरटेक कर लिया जापान को, हमने जापान को ओवरटेक कर दिया है थर्ड हाईएस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ सोलर पावर प्लांट, सोलर पावर जो है हम बन चुके हैं, ठीक है. और इंडिया का जो जनरेट हमने कितना जनरेट किया एनर्जी, 113 बिलियन यूनिट्स, ठीक है, हम लोगों ने एनर्जी जो है जनरेट किया इन 2023. जापान ने कितना किया, 110 बिलियन यूनिट, बस 3 बिलियन यूनिट्स का जो है हमारे बीच में डिफरेंस है. इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी विच इंक्लूड्स सोर्सेज ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, इंडिया एट 73rd गीगावाट्स ranks 5th while Japan is at 3rd, ठीक है. सो हम क्या है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में अभी भी 5th नंबर पे, ठीक है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में, बट पावर जनरेशन में हम 3rd नंबर पे. देर आर टू डिफरेंसेस, ठीक है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, इंस्टॉल्ड में हम 5th है एंड पावर जनरेशन में हम 3rd है, ठीक है, ये याद रखिएगा. सो ये क्या है, वाइल रिफ्लेक्टिव ऑफ राइजिंग शेयर ऑफ सोलर पावर इंडियाज एनर्जी मिक्स, द पावर प्रोड्यूस पर ईयर कैन वेरी ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन कंट्रीज पावर डिमांड एंड लोकल सर्कमस्टेंसेज विच लीड अ जनरेशन लीड्स अ गैप बिटवीन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एंड एक्चुअल पावर प्रोड्यूस. सो हमारे इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि हमारे बीच में ना ये गैप है, एक लैक्यूना है कि जितना हम पावर प्रोड्यूस कर सकते हैं हम उतना पावर प्रोड्यूस नहीं करते. इफ़ यू सी डेटा जो थिंक टैंक है हमारा नीति आयोग ने क्या बोला है, एज ऑफ मे 2024 सोलर पावर वाइल मेकिंग 18% ऑफ इंडियाज टोटल इंस्टॉल्ड
इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 442 गीगावाट्स. हमारे यहाँ पे देश में 18 जो 442 गीगावाट्स का जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है ना, उसमें 18% जो है हम लोगों ने सोलर पावर प्लांट से जो है हम निकालते, ठीक है. बट उसमें 18% हमारे पास इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी का कैपेसिटी है, बट हम कितना जनरेट कर रहे हैं, बस 6.6x. मतलब जो है कि गैप है, हम कितना पोटेंशियल है हमारे पास और हम एक्चुअली में कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें थोड़ा आपको गैप देखने को मिलेगा, ठीक है. हम 18% हमारे पास इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी का कैपेसिटी है, बट हम सिर्फ जो सोलर एनर्जी है वहाँ से बस 16% जो है वही हम 16% है, हम उतना ही जो है उसको प्रोड्यूस कर पा रहे हैं. सो ये क्या है, हमें गैप देखने को मिलेगा. पावर डिमांड इन जापान डिक्रीज बाय 2%, ये आपको देखने को मिलेगा आफ्टर राइजिंग इन 2021 एंड 2022, दस अलाउिंग इंडिया टू ओवरटेक जापान. वाइल इट इज अनक्लियर इफ दिस ट्रेंड विल सस्टेन नेक्स्ट ईयर एज सरपासिंग द नेक्स्ट कंट्री द US, विच इज इन द सेकेंड स्पॉट. US क्या है, सेकेंड स्पॉट पे, और फर्स्ट स्पॉट में ऑब्वियसली इट्स चाइना, ठीक है. विल रिक्वायर इंडिया टू मोर देन डबल इट्स करंट सोलर प्रोडक्शन एंड एक्सीड 228 बिलियन, ठीक है. अगर हम लोग 228 बिलियन यूनिट्स जो है अगर एक्सीड कर जाते हैं, देन वी विल ऑल्सो सरपास USA, ठीक है. US इज समवेयर अराउंड 228 बिलियन यूनिट्स जो है. द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सोलर पावर इज चाइना, विच प्रोड्यूस्ड 584 बिलियन यूनिट्स ऑफ सोलर पावर इन 2024, मोर देन द नेक्स्ट फोर कंट्रीज कंबाइंड, द US, जापान, जर्मनी एंड इंडिया. देखिए यहाँ पर भी जो है आप देख पाएंगे, चाइना अकेले ऑलमोस्ट 600 बिलियन यूनिट अकेले प्रोड्यूस करता है सोलर एनर्जी का, और हमारा चार कंट्रीज दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, जर्मनी और इंडिया को, चारों को कंबाइन करके भी चाइना जो है हमसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है. चार देशों को कंबाइन करके भी चाइना हम सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है. सो इसीलिए यू कैन सी द डिफरेंस, यू कैन सी अ डिफरेंस विच इज़ वेरी वेरी क्लियर, ठीक है. हाउ फार दे आर, हाउ अहेड ऑफ देयर टाइम वो चाइनीज जो है, अपने कितने समय से कितना आगे है, ठीक है. सो 584 बिलियन यूनिट्स जो है ये इतना चाइना जो है वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है. सो आई होप आपको ये टॉपिक जो है ये क्लियर हो गया होगा. वी कैन मूव ऑन टू द लास्ट न्यूज. द लास्ट न्यूज इज वेज मिल कॉस्ट क्लाइम 8% इन अप्रैल 2024, ठीक है. तो यहाँ पर क्या है कि फूड इन्फ्लेशन के बारे में बात की गई है. फूड इन्फ्लेशन जो है वो क्या था कि वेजिटेरियन जो मील है, ठीक है, वेजिटेरियन मील जो है उसका दाम जो है 8% ईयर ऑन ईयर जो है आपको देखने को मिलेगा कि ईयर ऑन ईयर जो है 8% जो है इंक्रीज हो रहा है, ठीक है. फूड जो इन्फ्लेशन है स्पेशली वेजिटेरियन मील में आपको देखने को मिलेगा. नाउ वेजिटेरियन मील इज जो हमारा आलू प्याज उसमें जो फ्लक्चुएशंस होते हैं उसके वजह से वेजिटेरियन मील जो है उसका भी प्राइसेस जो है आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया. सो क्राइसिल का एक वो एक रेट से, क्राइसिल इज एन एजेंसी, वो अपना एक रिपोर्ट निकालते हैं और उसमें एक रेट डिसाइड करते हैं, वो रोटी राइस रेट होता है, ठीक है. वो राइस में, वो रोटी राइस रेट के अनुसार वो बताते हैं कि हमारा फूड इन्फ्लेशन में क्या क्या जो है आपको फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेगा, क्या बढ़ रहा है क्या कम हो रहा है, उस टाइप के आपको देखने को मिलेगा, ठीक है. सो ये क्या करते हैं कि रिपोर्ट सर्व्स एन इंडिकेटर ऑफ फूड इन्फ्लेशन ट्रेंड अहेड ऑफ अप्रैल ऑफिशियल रिटेल इन्फ्लेशन डेटा विच इज एक्सपेक्टेड ऑन May 14. ओवर फेब्रुवरी एंड मार्च व्हाइल फूड प्लेट कॉस्ट राइज 7%, फूड प्लेट का जो पर प्लेट का दाम 7% राइज देखने को मिला, और इंडिया का जो रिटेल फूड इन्फ्लेशन है वो अभी तक 8.7% जो है काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है. सो यहाँ पर क्या है कि क्यों जो है हमें इस टाइप का फूड इन्फ्लेशन स्पेशली वेजिटेरियन मील में ज़्यादा देखने को मिलेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल डिमांड सप्लाई मिसमैच, अनियन का जो सप्लाईज है वो क्या हुआ कि रबी का प्रोडक्शन उतना अच्छा नहीं हुआ. सो अनियन का सप्लाई में आप लोगों को एक डिप देखने को मिलेगा. डैमेज हो गया फूड पोटैटो क्रॉप क्या है, उसके वजह से बहुत ज़्यादा जो है प्राइसेस जो है इंक्रीज होने लगे, एंड हाई इन्फ्लेशन रेट्स फॉर अनियन, टमेटोज एंड पोटैटोज, ठीक है. सो इन्फ्लेशन जो है आपको देखने को मिलेगा अनियंस, टोमेटोज एंड पोटैटोज, जो TOP, टोमेटोज, ऑनियन एंड पोटैटोज, या फिर POT भी आप बोल सकते हैं. ये तीनों जो है बेसिस है हमारे कंजम्पशन का, राइट. पोटैटोज, ऑनियंस एंड टोमेटोज, दीज थ्री आर बेसिस ऑफ आर ईटिंग हैबिट, फूड हैबिट्स का वो हमारा बेसिस है. उनमें आपको अगर इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा तो आपको जनरल एक इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा, एंड इन तीनों फूड क्रॉप्स में अगर कुछ प्रॉब्लम आता है वो हमें अल्टीमेटली हमारे फूड पैटर्न को भी चेंज करता है एंड इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है. तो अगर इन तीनों सब फूड क्रॉप्स में अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाता है सो वो पूरा आपका रिटेल फूड इन्फ्लेशन में भी कहीं ना कहीं वो एक टाइप का शॉकर के रूप में आता है, ठीक है. सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. With this, we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.